ਪੰਨਾ ਮੈਂ ਹੈਪੁਰਾ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿਛੜ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਉਸਕਰ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਸੇ ਅਵੇਧ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸਮਗਰੀ ਕਰੀਬ 5 ਬਨੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਕਰੀਬ 15 ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਔਰ ਪੂਰੇ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਸਮਗਰੀ ਕੀ ਬਤਾ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀ इनकी आम सारी कार्रवाई में पुलिस ने पहले किए थे तो वहाँ से आराम से पकड़े गए थे। अभी दोबारा मुख्यमंत्री के द्वारा सूचना मिली थी, उन्होंने फिर से सक्रिय हो गए और भेजने लगे। उसके आधार पे पुलिस ने छापा मारा, इसमें सारी चीज़ें जब्त हुई और जिला जो दुष्कर्म है वो भी गिरफ्तार। कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? अभी तो इसको जांच का विषय है, तो कल की कार्रवाई है और जो जांच का विषय है कि इनने कहाँ कहाँ बेचा है, किन किन को माध्यम से कहाँ कहाँ पहुँचा दिया गया, वो पुलिस जांच करेगी। अभी अकेला है या कोई गिरोह सक्रिय है? देखिए, इनके परिवार के जो इसके बेटे और इसके जो परिवार से जुड़े हुए लोग भी पहले भी हम सारे लोग आंदोलन हथियार बेचने वाले रखे थे, लेकिन अब कार्रवाई में चले तो अब उन लोगों के तरफ भी जाँच चल रही है। रिमांड पर लिया जाएगा इसको? पुलिस रिमांड में लेंगे दोबारा। सर, हाल ही के जिले में डकैतों का मूवमेंट है, इतना बड़ा जखीरा पकड़े जाना कहीं ना कहीं कुछ और अंगित करता है कि कहीं ना कहीं सप्लाई की जा रही होगी। कहिए, 2 महीने पहले भोजपुर में भी हमने एक आर्म्स की फैक्ट्री पकड़े थे जिसमें 10 से ज़्यादा हथियार भी बरामद किए थे, तो कहीं ना कहीं यूपी से जुड़े हुए इलाके हैं हमारा बल्ला जिला, और यहाँ पे सतना जिले में भी डकैतों का मूवमेंट पहले भी हो चुका है, उनकी वारदातें भी हो चुकी हैं, जैसे तो कहीं ना कहीं आर्म्स कहाँ जा रहे हैं इसको जाँच करना बहुत ज़रूरी है। जाँच करेंगे कहाँ जा रहे हैं, लोगों को डकैतों को या कोई ऐसे गिरोह को उसकी सप्लाई तो नहीं हो रहा है, इसका जाँच करें। मूवमेंट हुआ है वो पहले कुछ दिन पहले यूपी जो बॉर्डर है हमारे वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट मिले थे, उसमें हमने पुलिस ने भी अच्छी तरह से पेट्रोलिंग वगैरह की, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था उसके तहत कार्रवाई। कुछ पन्ना में मूवमेंट है डकैतों का? अभी तो फिलहाल नहीं है, बीच में जब भी कोई हमें पॉइंट मिलता है आसपास के जिलों से या हमारे सर, एक बात सामने ये निकल के आती है, आपने अभी कहा कि ये जो व्यक्ति है पहले भी आम सेक्टर में पकड़ चुके हैं, तो इन लोगों को हौसला कहाँ से मिलता है बार बार ऐसे काम करने का? देखिए, आदतन अपराधी जो होते हैं पैसा बनाने के लिए सबसे आसान तरीका जो उनके सामने नजर आता है वो दूध छोड़ते नहीं है। पुलिस ने लगे आप रिकॉर्ड इनका देगा तो 2003 में 6 में 9 में कार्रवाई हुआ, फिर 4-5 साल के बाद फिर उनके बड़े पैमाने पर वो अपना धंधा चलाने की कोशिश की। थैंक यू।